क्या बात कर रहा है? अरे बट लेकिन मैं तुझे फोन करता हूँ। ओके क्या हुआ यार, कुछ परेशान सा लग रहा है? ऑल ओके? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द जनरेशन दीस डेज यार। तुझे पता है अभी मेरे फ्रेंड का फोन आया और उसने कहा उसका ब्रेकअप हो गया। जहाँ सुन रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, सब कह रहे हैं ब्रेकअप हो गया एंड ऑल दैट। अरे तो ठीक है यार, बहुत नॉर्मल सी बात है। हो सकता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना हो, तो हो गया ब्रेकअप, इट्स ओके। हाँ ब्रो, बट वो 4 साल से डेट कर रहे थे, एकदम से कंपैटिबिलिटी इश्यूज कैसे आ सकते हैं? आई रियली डोंट नो। बट यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड जरूर हो। खैर मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है रोशनी और सुकृत की। हाय गाइस, आई एम अभिषेक मलिक। एंड आई एम अर्जित तनेजा। और आप देख रहे हैं Yamaha Rizza Presents प्यार तूने क्या किया सीजन 8, को प्रेजेंटेड बाय shoploose.com एंड पावर्ड बाय पैनासोनिक स्मार्टफोन्स। कबड्डी भाई चलते हैं, चल। गुड जॉब रोशनी। लड़कियां कबड्डी भी खेलती हैं और हड्डियां भी तोड़ती हैं। बोला मत। दूरी एक आरज़ू। अब चलें। चल चल चल। अरे भाई वहां क्या जाए? भाई रोशनी मेहता नाम है उसका, गर्ल्स कबड्डी टीम की कैप्टन, समझा? कच्चा चबा जाएगी। तो यही चाल लेंगे, चल आजा। यार तू पागल है क्या? दिल को तेरी मौजूदगी का चाहिए। अगर मेरी बाइक स्टार्ट करने से पहले तुम आगे आ गए तो हड्डियां थोड़ी कम टूटेंगी। भाई वो सही में तोड़ देगी, जा। ऐसे किसे तोड़ देंगी? हड़ो जी क्या हड़ है? तोड़ के दिखाऊं क्या? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपका बस मेरा क्या फैन हूँ, और आप जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने फैनों की हड्डियां थोड़ी तोड़ते हैं। अच्छा बहुत पिकअप लाइन सुनी है, लेकिन ये बहुत सफा है। इडियट नहीं हूँ, फैन हूँ, सीरियस वन, नॉट द सीलिंग वन बट द रियल वन। आपने मतलब बड़ा वाह क्या लाइन बोली थी, क्या लाइन बोली थी मैडम? अरे लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती, हड्डियां भी तोड़ती है, जिम्मी ताड़िया। अगर ये कॉम्प्लीमेंट था तो थैंक यू सो वेरी मच। कैन आई प्लीज बी? अरे एक सेकंड, एक ऑटोग्राफ पड़ेगा प्लीज। मेरा दिमाग खराब है, ये कुछ ज्यादा हो गया। लिखने वाले को सुनिए क्या, जल्दी दे। आ रहा है ऑन द वे, हियर टेक दिस एंड प्लीज ऑटोग्राफ प्लीज प्लीज। ये परमानेंट मार्कर है। चलेगा चलेगा। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, फैन हो ना तुम मेरे? सरगल्ला। वो तो मैं हूँ, यू वांट माय हेड? नो मैडम, छोड़ूंगी नहीं। सरगल्ला जिम्मी पार्टी की तैयारी कर। ओके जी। अरे जिम्मी शू। अरे हाँ तो बोल। हाँ मेरी बाबी तो आधी पट गई है, बाकी आधी बाकी है, वो भी पूरा कर लेंगे। अच्छा हाँ बाबी पट गए हैं, वाह तभी इतना प्यारा ऑटोग्राफ देखेगा ये, नहीं दिखाओ दिखाओ। सेक्सी लग रहा है अपने आपको लूजर कह दी के। अबे वो तुझे लूजर समझती है भाई, देख
मैं बता रहा हूँ ये लड़की किसी के पास की बात नहीं है, समझा? जिम्मी शू, हाँ तो बोल। हाँ लूशरी, अब दुल्हनिया लेके जाएगा, तू देखिए, तू पार्टी की तैयारी फिर भी कर, चल यहाँ से। यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट गेट अप, आई मैं इंटरप्ट करने नहीं आया आपको, मैं रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। कैसी रिक्वेस्ट? वो मुझे ना कबड्डी सीखनी है। कबड्डी? मैं कोच नहीं हूँ, और कोचिंग चाहिए ना तो सर से जाके बात करो। अच्छा तो अभी जाके पूछ लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश भी मत करना, मैं सर को ना खुद ही बोल दूंगी तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए। क्यों? क्यों? क्योंकि कबड्डी इज नॉट अ गेम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और तुम्हारे जीने का तरीका ना छिछोरा बनती है। मुझे छिछोरा नहीं हूँ, फरीदाबाद का लौंडा हूँ और बहुत सीरियस हूँ। फरीदाबाद की किसी लड़की से पूछोगे ना तो ओके रिपोर्ट मिलेगी, अगर कुछ गलत बोला ना नाम बदल दूंगा अपना। अच्छा इसलिए दो दिन से मेरे पीछे भाग रहे हो राखी बनवाने के लिए? राखी नहीं बनवानी जी, वो मैं प्यार हो गया आपसे। सच्चे वाड़ा हुआ है, जो पहली बार नहीं होता, एक दूसरे को देख के लव एट फर्स्ट साइड बोलते हैं इसे। पहली बार देख के जादू हो गया था मेरे पे तेरा, वो जुड़जुड़ी सी आ गई पूरे बदन में, बॉडी में। पागलपन लग रहा होगा आपको, पागलपन लग रहा होगा, पर है नहीं, मैं प्यार करता हूँ आपसे, आई एम रियली इन लव विद यू। प्यार? मैं कौन है? वो कोच। प्यार हो गया है तो बाग बगीचे में जाकर चिल्ला, ये कबड्डी का फील्ड है भरपूरदार। ये मौका है, चौका मार ले, वरना फिर कभी तुझे घास भी नहीं डालेगी। सर जी प्लीज प्लीज, सर जी प्लीज सर, मुझे बड़ा सागर दिखा दो। क्या कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, मैं सारी सीख जानी कबड्डी एक बारी में, बता रहा हूँ सर, प्लीज सर। ये फालतू के ड्रामे कर रहे हैं, दो दिन से मेरे पीछे भाग रहे हैं, कोई कबड्डी नहीं सीखनी है। सर मैं बता रहा हूँ, मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं इसके पीछे इसीलिए भाग रहा हूँ कि मुझे कबड्डी सीखनी है सर, मैं ऑनेस्टली प्लीज सिखा दो सर प्लीज। ठीक है ठीक है, लेकिन सिर्फ एक चांस। जी स्टेट चैंपियनशिप के लिए वैसे भी हमें बेस्ट प्लेयर्स चाहिए। तुषार, मंगेश, उपेश, ले आओ भी आ जाओ। ये तीनों हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, इनमें से किसी एक को भी तुम आउट करके देखो। ये है प्लेयर। और तुम खुद को इन समझो। सर जी एक मिनट की बात तो सुनो सर, इनको हरा के क्या हो जाएगा, इतना टकटे लग रहे हैं। रोशनी ने सही कहा था, ये इसके बस का काम नहीं है। कुछ नहीं कहा सर उसने, बाप देखो फरीदाबाद के लड़के का जोश। अच्छा हाँ जी, चलो करके दिखाओ। बस आज इज्जत बचा लेना भगवान। रोशनी सही कह रही थी, तुम में सीरियसनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बात है, तुम दिमाग से खेले, आई लाइक इट। कल सवेरे ठीक 7 बजे, ओके? अभी तो सिर्फ खेल शुरू हुआ है, कल मिलते हैं फील्ड में। Three!
कम ऑन बगा बगा हो गया सर। एक्सरसाइज के बीच में बैठने की परमिशन नहीं है किसी को भी। अरे तो सूझ गया है। अरे स्प्रे ले क्या हो रहा है, स्प्रे ले क्या हो। अरे चल दिया कपड़ा कपड़ा कपड़ा। पहले ठीक हो जा, बाकी सारा हिसाब तो बाद में कर लेंगे। ठीक है, आराम से चलो, आराम से। थैंक यू। थैंक यू की भी बात ही नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ अंदर तक, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे पैर में लगी है, मैं मारता हूँ, मैं छिछोर लगता हूँ, पर हूँ नहीं। आप जैसे अंदर घुसोगे, दरवाजा खोलोगे, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं वापसी यहीं से लौट जाऊंगा। मतलब अब चले जाओगे अपने घर में। हैंड आराम से चलो, आराम से। यहाँ से रवाना हो, ये आपका बैग। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा सुनो, मतलब मैं जीके उठी है वो पूछ रहा हूँ कि मतलब आप अकेले रहते हो? मतलब जैसे मेरे को पैदा करने वाले मेरे मम्मी पापा तो फरीदाबाद में रहते हैं, आपके मतलब कहाँ रहते हैं? भोपाल। मतलब अच्छा, मतलब उधर ही हो तुम? ठीक है, अच्छी बात। ओके बाय। आप लोग हैं, उसे अंदर बुलाना चाहिए था शायद। This is so rude. गिर गई, मैं नहीं गिर गया, चाबी गिर गई, किट गई रे, घूम गई कहीं। पुराना बहाना, वो आपने तो कैच कर लिया आपने। अरे मतलब बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं, मैं किसी से लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? नई वॉच, नई जीन्स, सुपर कूल टी शर्ट, यू डोंट लुक लाइक यू एनीमोर। इतनी सारी शॉपिंग कब, कहाँ और कैसे? ये सुकृत से लाड साहब का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? लाड साहब बनने के लिए ना लाड साहब की औलाद होना जरूरी नहीं है। देखो shopplus.com, ओह माय गॉड, फैशन फॉर मेंस एंड वुमेन, मोबाइल्स एंड टैबलेट, होम फर्निशिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टॉयज, कुछ ऐसा है तो shopplus.com पे नहीं मिलता? You should check out the fashion section on shopplus.com, up to 80% off on menswear. Or if you want anything on the women's section,
There is the Western fashion section for women's too. See? ये मुझ पे अच्छा लगेगा? Obviously अच्छा लगेगा. और अगर तुम्हें इसके साथ कुछ मैचिंग चाहिए, for example, the accessories, the shoe, the handbag, you will get them too. सर? मुझ. लेकिन ऑर्डर करने के बाद पसंद नहीं आया तो? ऑर्डर करने के बाद अगर पसंद नहीं आया तो shopclues.com has hassle-free returns. That means you can return them. सर? Obviously. और अगर तुम्हें इस महंगाई भरे जमाने से छुटकारा चाहिए तो यू शुड गो एंड विजिट shopclues.com राइट नाउ. और तुम कौन से जमाने में अटकी हुई हो? shopclues.com इज द प्लेस वेयर द रियल इंडिया शॉप्स. हम दोनों को मिलकर शॉप करना चाहिए. क्या तुम्हें भी लॉर्ड साहब बनना है? बनने का तो पता नहीं, लेकिन दिखना जरूर है. लॉर्ड साहब बनने के लिए लॉर्ड साहब के हालात होना तो जरूरी नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है. we should just do it right now. सॉरी है थोड़ा बैचलर वाला घर है ना, ये मैं आपको शॉर्ट देता हूँ पहनने के लिए. ये ले लो, साफ है. दो हफ्ते पहले ही धोई है, उसके बाद सिर्फ एक ही बारी पहनी है. तुम इतनी केयरलेस हो. चेंज कर लो. चलो शुक्र है तो बेटा तू भी चेंज कर ले. देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है. संभाले संभलता नहीं ये दिल कुछ. मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की शॉर्ट में देखी नहीं. खाना में थोड़ी गीली हो गई हूँ, मैं शॉर्ट भी पहनी है. लेकिन तुम कुछ सोचना मत. फिर क्या सोचो? No. ना अभी. नेवर. क्यों? मैं कॉफी बना लेता हूँ, उसके बाद फिर लेंगे. कॉफी बनानी आती है? सीख लूँगा. और ये मेस को क्लीन करना? वो भी सीख लूँगा. अरे जो इतनी बकबक करते हैं उसका काम? वो भी बंद कर दूँगा. बस तू साथ रह मेरे, मैं सब बदल दूँगा. मैं खुद को बदलने की जरूरत नहीं है. I love the way you are. Can I see you soon, Jack? Meet you, Lenny. Up in there. Serious, तो मैं तुझे लेकर ही आऊँगा. आज भी हूँ, कल भी था, मैं परसों भी रहूँगा, सिर्फ तेरे लिए. ये जो आगे है ना, इसे बोलते हैं 3D कंसोल. सोलर इसमें कैसे आगे, ये फ्रंट डिस्क ब्रेक्स में ये ऐसे लग जाते. वाओ, इसके ग्राफिक्स कितने कूल है. एंड आई लव द टेल डिजाइन. सुकृत, मौसम कितना अच्छा है. एक लंबी सी बाइक राइड पे ले चलो. जल्दी बैठो, जल्दी, मैं तो उसी की वेट कर रहा. जल्दी रेडी रेडी रेडी.
कुछ करना है ना सुकृत, 2 वीक में स्टेट चैंपियनशिप है एंड उसके बाद नेशनल एंड होपफुली विमेंस कबड्डी लीग भी जल्दी शुरू हो जाएगा और उसके बाद आई डोंट नो, पर यहाँ तक पहुँचना ही आसान नहीं है, काफी कुछ अचीव करना है। और फिर शादी? शादी नहीं करेगी? ये शादी कहाँ से आ गई? क्यों नहीं करनी शादी? शादी भी करूंगी लेकिन उससे पहले ड्रीम्स भी तो है, सक्सेसफुल कबड्डी प्लेयर बनना है, अदरवाइज हु विल माय किड्स लुक अप टू? लुक अप टू क्या करना है? देख, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे पास थोड़ी ना था कोई लुक अप टू करने के लिए, था कि नहीं? नहीं था ना। और वैसे भी ना, मेरे पापा की बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वेजिटेबल फार्म है, तू मैं दोनों साथ मिलकर चिकन चिकन पाड़ेंगे, लस्सी लस्सी पिएंगे, तू साथ चढ़िए मेरे, ठीक है? चिकन अच्छा लगता है तेरे को? कितना मजा आएगा, बहुत ज्यादा। भाई वो आ गई, चलो 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 चलो, आ जाओ सारे, आ जाओ सारे, आ जाओ। Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday dear Roshni. एक सेकंड पर एक कैंडल तो बुझा लो, ये लो बुझाओ। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ है। रोशनी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था ना, उस दिन मुझे प्यार और जादू दोनों एक साथ हो गया था, और उसी जादू और प्यार के साथ मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? विल यू मैरी मी रोशनी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, हम आ रहे हैं, एक मिनट। हाँ एक मिनट, हम आए। What the hell is wrong with you? तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? सबके सामने इतना बड़ा तमाशा करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि इस रिश्ते से मैं क्या चाहती हूँ। हम तो दोनों खुश थे ना, इस रिश्ते का अगला कदम तो शादी है, नहीं? हाँ हम खुश हैं, हम बहुत खुश हैं साथ में, क्योंकि हम अभी सिर्फ कॉलेज में हैं। तुम्हारे पास कोई ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ही कोई टेंशन। अभी सोचा मेरे बारे में? मैं कबड्डी प्लेयर हूँ, एकेडमिक टॉपर हूँ, मेरे ड्रीम्स लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। और तुमने कभी अपने आप को देखा है? जैसे तुम पहले थे ना नॉन सीरियस, आज भी वैसे ही। हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन ऐसी अच्छाई का क्या फायदा जब तुम फरीदाबाद में अपने पापा के पैसों से आराम से अपनी जिंदगी जीना चाहते हो। एक सेकंड, तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ वापस, तो जो जो भी हम दोनों के बीच में हुआ वो तो टाइम पास था। तुम कैसे कैसे कह सकते? तुम बस मुझे इतना ही जानते कि मैं तुम्हारे साथ अब तक टाइम पास कर रही थी। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फरीदाबाद जाके अपनी लाइफ जीना चाहते हो, मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम बिना किसी गोल और बिना किसी एम्बिशन के अपनी लाइफ जीना चाहते हो। रोशनी, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, वो है तू। I really love you, bro. सुकृत, तुम्हें ये सुन के तो बहुत तकलीफ होगी। मैं अपनी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ नहीं बिता सकती, नहीं बिता सकती, नहीं बिता सकती, जिसका ना ही कोई गोल और ना ही कोई एम्बिशन, कोई एम्बिशन। I'm sorry. ना मैं वफा मतलब के लिए अब लेते हैं क्यों सभी, दर्द जो सीने में उठता है नहीं भाई। ओके, मैं अपनी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ नहीं बिता सकती, ना कोई गोल और ना ही कोई एम्बिशन। इस दर्द में जिंदा मैं तन्हा ही सही, के दिल से ये भी देंगे भुला, तुझको जाना कभी। Are you mad?
रहने दे इस दर्द समझती है ना मुझे मैं तन्हा उसके लिए उसकी लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं है कबड्डी इज नॉट अ गेम इट्स अ वे ऑफ लाइफ और तुम्हारे जीने का तरीका ना छोरा पति कबड्डी की बहुत मान प्लेयर समझती है ना अपने आप को उसको उसी के गेम में हराऊंगा अब तू देखता जा काम डाउन इट्स ओके ये क्या था मतलब मैंने रोशनी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुझे नहीं लगता शी इज बीइंग अ लिटिल सेल्फिश आई मीन मुझे लगा कि वो अपने रिलेशनशिप को लेके काफी सीरियस लेकिन यार ये भी तो हो सकता है कि वो सुकृत से इतना ज्यादा प्यार करती थी दैट शी वाज एक्चुअली विलिंग टू रिस्क हर रिलेशनशिप फॉर हिम ताकि सुकृत अपनी जिंदगी में कुछ बन सके यार मुझे लगता है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो और आप जानते हो कि आपके पार्टनर में उतना पोटेंशियल है कुछ करने की कुछ बनने की तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको ये चीज रियलाइज करवाओ दैट्स व्हाट आई थिंक है हाँ यार रोशनी सुकृत को रियलाइज करा रही थी पर उसको इस तरह का शौक दे के क्या अचीव होगा डोंट यू थिंक इस तरह सुकृत रोशनी को हिट करने लग जाएगा बस रोशनी क्यों रोशनी जब तू भी उससे उतना ही प्यार करती तो फिर तूने ऐसा क्यों किया कि मैं उससे बहुत प्यार करती मैं उसे लूजर बने देखना नहीं चाहती मैं चाहती हूँ कि वो भी कुछ लाइफ में करे कुछ बने हो सकता है वो इसके बाद मुझे कभी मुड़कर वापस नहीं देखे लेकिन वो कुछ बनेगा जरूर उसे अपने आप से बचाने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फरीदाबाद जाके अपनी लाइफ जीना चाहते हो मेरी प्रॉब्लम ये है कि तुम बिना किसी गोल और बिना किसी एम्बिशन के अपनी लाइफ जीना चाहते हो 54, 55, done. हर नजर ये तुझे और आज के लिए के इन हवाओं से तेरी यारी है उड़ जा अब तेरी स्टॉप सुकृत स्टॉप ऐसे तो मसल स्ट्रेन हो जाएगा छोड़ दो सर छोड़ दो अगर दर्द नहीं होगा ना तो अपने होने का एहसास भी नहीं होगा होने दीजिए चैंपियनशिप के लिए हमारे कॉलेज सेंट मिलर्स की गर्ल्स कबड्डी टीम की कैप्टन हमेशा की तरह रोशनी मेहता ही है लेकिन मेंस कबड्डी टीम में सबकी तैयारी और परफॉर्मेंस को ध्यान से देखने के बाद कमेटी ने यह डिसीजन लिया है कि नए मेंबर को टीम का कैप्टन बनाया जाए और वो है सुकृत शर्मा गुड जॉब कबड्डी मैच दिन को और भी एक्साइटिंग बना रहा है सेंट मिलर्स की लड़कियां हमेशा की तरह बहुत अच्छा खेल रही हैं और मिस रोशनी मेहता की कैप्टनसी के अंदर टीम आज फाइनल्स में पहुंच चुकी है और आप जैसे कि देख सकते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है कबड्डी 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 ओ माय गॉड ये क्या हुआ ओ नो देख क्यों नहीं रहा
जॉइंट बहुत बुरी तरह ट्विस्ट हो गया, उसे बहुत दर्द हो रहा है। आई जस्ट होप उसे हेडलाइन फ्रैक्चर ना हुआ, उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो क्या करूं? तो कुछ नहीं, तुम ना ही समझोगे। सो मिस्टर सुकृत, आपकी कॉलेज की विमेन्स टीम जो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, उनके कैप्टन की इंजरी के बाद सैडली हार गई। Does that put additional pressure on you being the captain of the men's team? I mean, are you scared? So, are you scared? हर किसी की अपनी काबिलियत होती है। मेरी काबिलियत मेरी जीत है, और मेरी जीत ही मेरी पहचान बनेगी। काबिलियत की बात करता है ये। मैं भी तो यही चाहती थी ना। एंड इज राइट, उसमें काबिलियत है विक्ट्री को पहचान बनाने की। एटलीस्ट उसने ये रियलाइज तो किया। रोशनी हाउ कैन यू बी? जो सही है वो सही है। सच में चाहती हूँ कि वो जीते। वो कैसे प्यार कर सकती है? टीम मिलर्स के पास आखिरी एक मिनट बचा हुआ है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, टीम का सारा दारमदार उनके कैप्टन के ऊपर है, जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ ये कहा था कि विक्ट्री उनकी पहचान है। आप देख सकते हैं ये कि उनकी जो ऑपरेट टीम है वो उनके ऊपर हावी हो रही है। So let's see, will he, won't he? Let's see. Last 15 seconds. ये सुनकर तो बहुत तकलीफ है। मैं अपनी जिंदगी ऐसे आदमी के साथ नहीं बिता सकती। खेल का बहुत ही रोमांचक मोड। 5 seconds left. 5, 4, 3, 2 and oh my god, kya baat hai! We have a winner, ladies and gentlemen. Kabaddi ka naya sher, Sukrit Sharma. Did you Sukrit did it? He made it. He won. So, Mr. Sukrit, हारते हारते आपने मैच को जीत में बदल दिया, इसका श्रेय आप किसको देंगे? मेरे पेट डॉग को, पालतू कुत्ते को। समझ नहीं आया? अभी काफी दिन नहीं हुए जब मेरे अपने किसी करीब ने मुझे बोला कि आई एम गुड फॉर नथिंग, माने मैं किसी भी काम के लिए अच्छा नहीं हूँ, मैं लूजर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। ऐसा नहीं, कर तो सकता हूँ। जो भी लूजर बोलते थे वे किस चिम गए के? मैं लूजर नहीं और बढ़ भी नहीं सकता। खैर, अहमियत नहीं है उन बातों की कोई मेरी जिंदगी में। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सुकृत को कभी चैलेंज मत कर। सुकृत बेस्ट था और रहेगा हमेशा। कंग्रेचुलेशन। अभी जाके इस घमंडी को बताती हूँ कि इसको एक घमंड के लायक किसने बनाया। He would be nothing without you. कृति, तो कुछ नहीं करी। I love him. What? और मैं भी तो चाहती थी ना वो कुछ करे, कुछ बने। आज मैंने वो अचीव कर लिया है। अगर उसको मेरी फिक्र नहीं है तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा। सच में नहीं करती, पर कोई ऐसी शाम नहीं जब मैं अपनी तन्हाई में तेरा इंतजार नहीं करती। तुझसे प्यार नहीं करती। कोकला
नची पाकी जुमे रात आई है जेड़ा अज भी ना नचे ओदी शामत आई है यारा दे नाल बहारा ने लाइफ च मौज हजारा ने एदा ही दिन सारे लंघ जाने अज दी रात सानू याद रवे नचना में सारी रात जग लेनी दुनिया Oh wow, nice name. तुम मुझे इस नाम से बुलाना चाहते हो? निकल जा यहाँ से. The hell? You know what? You go to hell. सुकृत प्लीज डोंट ड्राइव माय. तूने सही में बहुत पिया किया. अरे चुप बॉय, आई ड्रिंक बेस्ट व्हेन आई ड्राइव. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गाड़ी ठुक जाएगी. नहीं ले लेंगे है अपने को क्या है. सुकृत इज द बेस्ट. से मिलकर आए पहले से बेटर फील कर रहा हूँ. दिल्ली से निकाल दिया मुझे. अरे ब्रांड ने कॉन्ट्रैक्ट भी वापस ले लिए. फिर से जीरो हो गया मैं. ये थोड़ा ही है कि मैं कितना बड़ा लूजर हूँ. ड्रामा बंद कर पड़ा. सुकृत मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितने अच्छे प्लेयर हो. बस ये लाइफ को थोड़ी ठीक करना. अच्छा हूँ. जब छोड़ के गई थी सबके सामने तब अच्छा नहीं था और अब अच्छा लग रहा हूँ. अब क्यों आई है वापस? ऐसे आ गए मेरे पास इसलिए. दो चार महीने में कोई और दूसरा ब्रांड आ जाऊंगा, एक आठ टूर्नामेंट और खेल लूंगा. जुटी हमदर्दी दिखाने आई है. मेरे सारे अपने सपने पूरा करना चाहती है तू. निकल जा बाहर यहां से. नजर के सामने भी मत आई हो तू दोबारा. तुम जैसा बेवकूफ और बेअक्कल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा. लीना, तुम रोशनी जैसी लड़की को ना डिजर्व ही नहीं करते. इतने सेल्फ ऑब्सेस हो कि तुम्हें किसी की सच्चाई और प्यार दिखता ही नहीं. तुम आज से नहीं, हमेशा से ऐसे ही थे. मैंने देखा है रोशनी को तुमसे दूर होके हर दिन हर रात कितना रोई है. तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वो सब क्यों कहा था? खुद को तुमसे बड़ा साबित करने के लिए? नहीं मिस्टर सुकृत शर्मा, अरे वो खुद एक स्टेट चैंपियन थी. सेल्फ रिस्पेक्ट इतना छोटा नहीं कि वो किसी को नीचा दिखाकर खुद बड़ी बन जाए. खुद में लाइफ में कुछ बनता देखना चाहती थी और तुमने क्या किया? एक बार उसे पलट कर तक नहीं देखा. तुम्हें एक बात पता है कि वो कभी कबड्डी नहीं खेल पाएगी. उसका सपना टूट के बिखर चुका है. क्या कर दिया रे सुकृत शर्मा? इतना स्वार्थी हो गया, तो सब खराब कर दिया.
पहली बार देख के जादू हो गया था मेरे पे दिल। पागलपन लग रहा होगा पर है नहीं, प्यार करता हूँ आपसे। I'm really in love with you। नैनों में जो भेद टूटा सा कोई ख्वाब सा। बड़ी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हमको रुलाए ऑटोग्राफ मिलेगा। फिर से लिख देना लूजर, मैं दोबारा लूजर बनना चाहता हूं। मैं ना तेरी तरह प्यार कर पाया, ना तेरी तरह कबड्डी खेल पाया। किसी ने कहा था मुझसे कबड्डी गेम नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मैंने जो तुम्हारे साथ किया ना, उसके बाद तो मुझे खुद लगता है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। क्या तू मुझे माफ कर पाएगी? लिखना नहीं चाहोगे मैंने क्या लिखा है? ना जिया जिंदगी एक पल भी, तुझसे होके जुदा सुन जरा। बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा। यार ये स्टोरी सुन के मैं एक चीज से कन्विंस हो गया हूँ कि लव रियली हर्ट्स, बट लाइफ में और कुछ भी इजीली मिलता थोड़ी ना। और ये जो सुकृत की फ्रस्ट्रेशन है ना रोशनी को लेके, मेरे हिसाब से इसलिए क्योंकि क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है। कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसकी इसी फ्रस्ट्रेशन ने उसकी लाइफ चेंज की। बट ऑनेस्टली डू Hats off to Roshni. I mean seriously, hats off to. क्योंकि उसने actually सुकृत को जाने दिया ताकि सुकृत अपनी जिंदगी में कुछ बन सके, कुछ हासिल कर सके। You know, इसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा था। देखना, सच्चा प्यार था तभी वो लोग आते दूसरे के साथ। तभी मुझे लगता है कि कभी कभी ब्रेकअप करना जरूरी होता है, क्योंकि तब आप अपने पार्टनर को रियलाइज करा सकते कि एक्चुअली उसमें बहुत पोटेंशियल। शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर ऐसा प्यार तूने ना, तो फिर प्यार तूने क्या किया? Guys, that's Arjit. That's Abhishek. And we wish you all a very happy Independence Day. जय हिंद। प्यार तूने क्या किया, चैन मेरा लिया, बेपनाह इश्क से वास्ता हो गया। तेरा ही चेहरा अब तो दिखे है, नाम तेरा ही लब पे मेरे। प्यार तूने